नमस्कार, मैं पूनम शर्मा, तत्काल टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। नजर डालेंगे इंदौर की आज की मुख्य खबरों पर। वार्ड क्रमांक 53 को सौगात, 10 करोड़ रुपए की लागत से शॉपिंग मॉल व हॉस्पिटल का होगा निर्माण। पाताल पानी हादसे में जान गंवाने वाले उद्योगपति पुनीत अग्रवाल की बहू साक्षी ने गुरुवार को बेटी को जन्म दिया, नाम रखा सारा। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष वीएस कोगजे बोले, 90% जनता समझती है कि सीएए का किसी संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं, उत्पात मचाने के लिए 10-20 लोग ही काफी। आरएसएस की 5 दिवसीय बैठक में प्रमुख भागवत का बच्चों को संदेश, पढ़ो पढ़ाओ और सबको आगे बढ़ाओ। कोहरे के कारण रात में विजिबिलिटी 100 मीटर से घटकर 50 मीटर से भी कम हुई, एक विमान को वापस लौटाया, बाकी उड़ाने भी रद्द। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस, भाजपाइयों के दमन पर भड़के। 12 जनवरी को सीएए के समर्थन में बड़ी रैली, 1 लाख कार्यकर्ता होंगे शामिल। 6 जून से शुरू होगा 7-स्टार रेटिंग का स्वच्छता सर्वे। 6 जनवरी से बाल संरक्षण सप्ताह में लगेगी बच्चों की चौपाल, बताई जाएगी गुड और बैड टच की जानकारी, खेलकूद और सांस्कृतिक आयोजन भी होंगे। 9 जनवरी को तक्षशिला परिसर में होगा मीडिया का क्रिकेट टूर्नामेंट, मीडिया सीरीज सीजन 9। अब तक के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे।